कोड ओके अब शुरू कर रहा है मैंने रह गया था एनीवेज शुक्लाम भरधरम विष्णु शुक्लाम भरधरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये सर्व विघ्नो पृथ्वी त्वया धृता लोका पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता देवी त्वं विष्णुदा धृता त्वं च धारय मां देवी त्वं च धारय मां देवी पवित्रम गुरुचासनम सारे बच्चे सीधे बैठेंगे हाथ जोड़ेंगे सब बच्चे सीधे बैठे हाथ जोड़े और एवरी वन आगमाथम तू देना आगमार्थम आग देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम गमनार्थम तु रक्षसाम गुरुवे घंटारव तत्र पूर्वे घंटा प्रवम तत्र देवता भान लंचनम देवतानाम लंचनम गंगे चयमुने चैव गंगे चयमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिन्धुकावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु देहो देवालय प्रोक्तः देवो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यम् त्येद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावे तो, न पूजयत सोहम तो भावे न पूजयेत सरस्वती नमस्तु सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामिण वरदे कामिण विद्यारंभ करी विद्यारंभ करी सिद्धि मे सदा सिद्धिर भावतु में सदा, कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम प्रभादे कर दर्शनम समुद्र वसने देवी समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम शमस्व मे पाद स्पर्शम शमस्व ओके okay. सो so, अब हम आ गए यहाँ पे अब कौन बताएगा हम कौन से कांड पे अभी मैंने बताया कौन से कांड पे हैं हम ध्रुव हाँ। समर्थ भारत भरत किसको पता है हम कौन से कांड पे हैं? किशकिंधा कांड। कौन सा कांडा एंड व्हाट इज हैपनिंग व्हाट इज हैपनिंग श्री राम इज वेरी अपसेट सीता मैया उनको मिली कि नहीं मिली अभी तक सीता मैया को कौन लेके चला गया को रावण रावण लेके और कहां ले चला गया? नानी वो उसको लंका ले गया तो लंका ले गया अब श्री राम ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढे जा रहे हैं अब उनको कौन मिला हनुमान जी मिले हनुमान ने किससे मिलवाया उनको हनुमान ने किससे मिलवाया किसे मिलवाया सुग्रीव, सुग्रीव और सुग्रीव क्यों परेशान है सुग्रीव क्यों अनहैप्पी है क्योंकि सुग्रीव का भाई को तो बैटल अयोध्या के लिए सुग्रीव का भाई ने सुग्रीव को किशकिधा से निकाल दिया सु, सुग्रीव के पास कोई किंगडम नहीं है किशकिधा किसके पास है अब बाली के पास बाली और बाली राम जी ahead... अब बाली बाली, बाली किसका ब्रदर है बाली किसका ब्रदर है तो ग्रीव तो दो ब्रदर्स की लड़ाई हो रही है सुग्रीव को और बाली की और कौन पावरफुल है अभी तक कौन पावरफुल है अभी तक बाली बाली और बाली ने सुग्रीव को कहा कर दिया निकाल दिया है ना अब सुग्रीव और राम जी मिले हैं और सुग्रीव से, से निकाल दिया सुग्रीव कह रहे हैं राम जी आप मुझे हेल्प करो और मैं आपको हेल्प करूंगा तो सुग्रीव कैसे हेल्प करेगा राम जी को कैसे, क्या, क्या करेगा सुग्रीव जो नदी है ना जो लंका ले जाती है उस पे वो सब रॉक्स डाल देंगे और फिर पाप बनाएंगे नहीं सबसे पहले सुग्रीव हेल्प करेगा सीता मैया का लोकेशन ढूंढने में सीता मैया को ढूंढना पड़ेगा ना है ना तो सुग्रीव की आर्मी सुग्रीव की आर्मी में कौन है योद्धा किस किसने मिलवाया है सुग्रीव को हनुमान जी हनुमान जी तो हनुमान जी हमारे इंडिया के सबसे पहले क्या है सुपरमैन हनुमान हैव ऑल द चिल्ड्रन गॉट दटमैन इज हनुमान इज आवर सुपरमैन बैटमैन सुपरमैन इट अगर हमें कभी भी किसी भी चीज से डर लगता है तो हमें क्या बोलना चाहिए हनुमान चालीसा किस किस को हनुमान चालीसा किस किस को आती है समर्त रवट, समर्त को थोड़ी थोड़ी आ गई ना आ गई है और रियांश को हनुमान चालीसा आती है अभी भी नहीं आती हाँ बेटा आपको म्यूट अनम्यूट नहीं कर रहा अच्छा ध्रुव खंडेलवाल कर देगा अब आप मुझे बताओ कि रेंश को हनुमान चालीसा यंश को हनुमान चालीसा आती है कि नहीं आती अभी आती है है ब्रिलियंट और को नहीं, नहीं आती आती उसको तो को, है। हनुमान चालीसा सीखेगा आपके पास मुझे मुझे दोनों दिख नहीं रहे भरत समर्थ दोनों एक स्क्रीन में आओ रे आपके साथ कौन है बेटा अभी आपके पास कौन है आपको हेल्प कर रहा है आप अनम्यूट करो कौन है आपके पास आप अकेले बैठे हो आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो अभी ना अनम्यूट आपको अनम्यूट करना आता है नहीं आता कोई बात कोई बात नहीं जो भी आपके ना, पास ना, है, ना, जो भी आपके पास है प्लीज इसको हेल्प कर दिएगा हनुमान चालीसा लर्न करने में ओके सो नाउ आई एम टेकिंग यू ऑल टू किशकिधा कांड Keshkinda Khan, me, we'll see Bali, we'll see Sugrib, and we will see Hanuman and we'll see Ravan Lakshman. Okay, so I'm taking you to my screen and I'm sharing that again. Got it? Okay, all right there. One second, huh? give me a second. Let me highlight. Let me pin it. Okay. ऑल राइट right. तो सुग्रीव कहता है कि देखिए श्री राम मैं आपको बता रहा हूं मेरा भाई वाली बहुत स्ट्रांग है आप बाली से कभी भी कोई भी नहीं जीत सकता और अगर आपको उससे फाइट करनी है आपको मेरी हेल्प करनी है तो आपको फाइट करनी पड़ेगी फाइट करनी है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कितना पावरफुल है तो श्री राम जी कहते हैं अच्छा मुझे बताओ वो कितना पावरफुल है तो वाली ये वाला सुग्रीव कहता है कि जो मेरे फादर है ना रिक्श राजा जब उनकी डेथ हो गई तो सारे मंत्रियों ने मिलके वाली को किंगडम का किंग बना दिया और मैं अपने ब्रदर को बहुत प्यार करता हूँ तो मैं भी अपने ब्रदर वाली के किंगडम में मैं भी एक मंत्री बन गया था और मैं वाली के साथ रहता था अब अभी ये सब ये सब सुग्रीव क्यों बता रहा है किसको पता है सुग्रीव ये सब क्यों बता रहा है ध्रुव आपको पता है सुग्रीव इससे बता रहा है राम जी पूछ रहे हैं मुझे ये तो बताओ कि बाली को तुम क्यों मारना चाहते हो बाली तुम्हारा दुश्मन क्यों बन गया आपसे अगर आप, आप आपको किसी के हेल्प चाहिए तो वो पूछेगा ना ध्रुव कि आपको हेल्प क्यों चाहिए आप उसको क्यों मारना चाहते हो है ना पूछेगा ना तो सुग्रीव यहाँ पे आंसर कर रहा है के वाली को क्यों मारो राम जी पूछ रहे हाँ समर्थ भरत राम जी पूछ रहे हैं वाली और आपकी दुश्मनी क्यों है वाली आपका एनिमी क्यों बन गया यंश, आपको समझ आ रही है बाली सुग्रीव से रामजी पूछ रहे हैं वाली आपका एनिमी क्यों है आपको समझ आई कि सुग्रीव आंसर दे रहा है ओके लेट्स गो बैक टू अर स्क्रीन एंड वी विल वन सेकेंड one minute, one minute, one minute, one minute. i don't want you to both talk. okay, and i don't want any complaints. and we will just listen to the story. okay, so let's go back to our story and let's see. okay. तो सुग्रीव बोलता है आपको पता है वाली कितना स्ट्रॉन्ग है तो राम जी बोलते नहीं मुझे बताओ तो वाली आ, सु, आ, सुग्रीव कहता है एक बार एक राक्षस था उसका नाम था मायावी राक्षस वो मायावी राक्षस ये देखो ये है मायावी राक्षस वो मायावी राक्षस ने वाली को ललकारा चैलेंज करा के आओ और मुझसे लड़ाई करो वाली की एक प्रॉब्लम थी कि वाली को कोई भी चैलेंज करता था ना तो वाली उसका चैलेंज मान लेता था और वो फाइट करने के लिए आ जाता था, था तो माया भी राक्षस आया और के के गेट गेट पे पे खड़ा खड़ा हो गया अगर आपके घर के गेट पे कोई हो के बोलेगा कि हमको लड़ना है तो क्या करोगे अगर आपके घर के कोई गेट पे आ गया किसी ने नॉक करा और बोला आई वॉन्ट टू फाइट विथ यू क्या करोगे क्या करोगे मैं go to somebody else's house and fight. Yeah, है ना पर अगर आपका नेचर ऐसा है कि कोई भी आपको चैलेंज करता है आप फाइट करने पहुंच जाते हो तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है ना समझ भरत अगर आपको कोई बोलेगा लेट्स फाइट तो क्या फाइट करना शुरू कर दोगे सबसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फाइट करना अगर वो कोई कहेगा चैलेंज करना है हाँ. फाइट करने के लिए तो मैं अभी उसको एक घुसा मार के उड़ा दूंगा ये लो अब आप मार के उड़ा दोगे तो वाली ने भी वही करा वाली ने कहा कि यह मायावी नाम का राक्षस आया है मे, मेरी डोर बेल बजा रहा है किशकिधा के गेट पे आओ मुझसे फाइट करो अगर कोई और थोड़ा इंटेलिजेंट हो तो कहता है मुझे नहीं फाइट करना कहीं और जाओ बट वाली चला गया फाइट करने अब जब वाली चला गया फाइट करने तो देखो क्या होता है वाली निकल गया वाली सो रहा था और निकल गया फाइट करने के लिए उसकी वाइफ ने मना करा अभी मत जाओ अभी बहुत नाइट है अभी किसी से नहीं लड़ते पर वाली नहीं माना वाली चला गया और वाली चला गया और और वाली जब गया तो सुग्रीव उसका ब्रदर था ना सुग्रीव को भी डर लगा कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए अगर समर्थ को कोई को कोई मारेगा तो भरत आप उसको बचाओगे ना बचाओगे कि नहीं भरत बिल्कुल भी बचाएगा

धरती में बहुत बड़ा होल था तो वो मायावी राक्षस उस होल में चला गया किसको पता है कि रैट्स कहाँ रहती है स्नेक्स कहाँ रहते हैं किसको पता है स्नेक कहाँ रहते हैं और रैट होल्स में होल में और हिंदी में उस होल को क्या बोलते हैं चूहा कहाँ रहता है चूहा और सांप कहा रहते हैं बिल में तो मायावी राक्षस अर्थ में एक बहुत बड़ा होल था ये इतना बड़ा होल वो उसके अंदर घुस गया वो होल में जाना बहुत डिफिकल्ट था और वो वो मायावी राक्षस चला चला गया उसके चला गया उसके अंदर जब तो ने ने ये वाली है वाली ने सुग्रीव को बोला देखो सुग्रीव तुम यहीं पे रहना मैं उस राक्षस के पीछे जा रहा हूँ मैं इस होल के अंदर चला जाऊंगा इस होल के अंदर जा रहा हूं और तुम यहाँ पे गार्ड करना तुम यहां से हिलना मत तुम यहीं पे गार्ड करना और एक यर तक क्योंकि तो वाली को पता था वो मायावी राक्षस बहुत स्ट्रॉन्ग है उसने अपने ब्रदर को बोला वन ईयर तक एक साल तक तुम यही रहना और गार्ड करना सुग्रीव ने कहा ओके तो वो बाली चला गया उस स्कूल के अंदर अब सुग्रीव खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है आया ही नहीं वापस वाली वन ईयर हो गया पूरा वन ईयर हो गया और उस वन ईयर के बाद उसमें से उस होल में से उस बिल में से बहुत सारा खून बहने लगा रक्त तो बहने लगा ब्लड बहने लगा सुग्रीव को लगा कुछ तो हुआ है और राक्षस की आवाज आ रही थी ऐसे आवाज आने लगी सुग्रीव को लगा पक्का मेरा ब्रदर मर गया अंदर पक्का वो मायावी राक्षस ने मेरे ब्रदर वाली को मार डाला तो सुग्रीव पहले तो रोने लगा सुग्रीव रोने लगा अपने ब्रदर के लिए फिर सुग्रीव ने सोचा अब मेरा ब्रदर मर गया उसका ब्लड बह रहा है अब पक्का वो राक्षस आएगा और मुझे भी मारेगा और कुछ का भी अटैक करेगा तो सुग्रीव ने क्या करा सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा रॉक लिया और वो उस बिल के ऊपर रख दिया अगर रॉक को बिल के ऊपर रखोगे तो उस बिल में से कोई निकल सकता है क्या फिर निकल सकता है क्या ध्रुव नहीं, नहीं निकल सकता ना भरत सम्मत नहीं निकल सकता ना रियांश कोई निकल सकता है क्या उसमें रियांश आपको समझ में आई अब तक उसने उसने yes. हाँ वो बिल को उस होल को ब्लॉक कर दिया अब जब ब्लॉक कर दिया और वापस चला गया वो किशकिंधा रोते, रोते 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 पहुंचा क्योंकि उसका ब्रदर नहीं था ना जब वो किशकिंधा के गेट पे सुग्रीव रोते रोते पहुंचा तो वहां पे सारे मिनिस्टर्स और सारी रानियों को पता लग गया कि वाली मर गया है ना जब उनको पता लग गया वाली मर गया तो हर किंगडम का एक किंग होता है कि नहीं होता होता है अगर किसी किंगडम में किंग नहीं होगा तो क्या होगा अगर सपोज किंगडम का किंग नहीं होगा तो क्या होगा कौन बताएगा मुझे? पूर, पूरा किंगडम हो जाएगा किंग का भी बताएगा ही नहीं क्या हो रहा है पूरा किंगडम तहस नहस हो जाएगा और जो आपके एनीमी किंगडम्स है वो आप पे क्या कर देंगे एनिमी किंगडम किंग क्या कर देंगे एनिमी किंग क्या कर अटैक कर देंगे एनिमी किंग अटैक कर देंगे और आपके किंगडम को छीन लेंगे तो किसी भी किंगडम के लिए बहुत जरूरी है किंग का होना समझ आई जैसे अपनी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है हर स्टेट में मिनिस्टर्स है चीफ मिनिस्टर होते हैं ना महाराष्ट्र का है है ना सब जगह का है अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो उनको एक नया मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है करना पड़ता है कि नहीं किसको समझ आई ये बात आई ध्रुव समझ में आई? आई ना तो ऐसे ही जब सुग्रीव वहां पे पहुंचा और वाली नहीं था तो सब लोगों ने सुग्रीव को बना दिया किंग और सुग्रीव ने बहुत अच्छे से रूल करना शुरू करा कुछ दिनों के बाद ओ नो ये क्या हुआ कुछ दिनों के बाद सुगरी वा, वाली आ गया वाली आ गया वाली ने उस राक्षस को मायावी को बिल के अंदर उस होल के अंदर हरा दिया और वो जो ब्लड था वो किसका था राक्षस का और जब वो सुगरी वाली निकलने लगा तो वो होल बंद था तो वाली वो वेरी एंग्री उसको लगा उसके ब्रदर ने ये जान के करा है आपको समझ आई सुग्रीव ने जान के नहीं करा था सुग्रीव को रियली लगा था कि उसका ब्रदर मर गया परंतु वाली को लगा कि सुग्रीव ने ये चीज जान के कर रही है ये बात समझ आई सबको आई समझ में यस और नो यस आई ना ओके और अब जब वाली आया अ, अच्छा बता मुझे बताओ वाली एंग्री होएगा कि खुश होएगा कि उसके ब्रदर ने होल बंद कर दिया एंग्री होएगा बहुत भरत समझ बाली एंग्री होएगा ना एंग्री होएगा कि नहीं और कितना एंग्री होएगा कौन बताएगा मुझे कितना एंग्री होएगा वो बहुत कि उसके आंख लाल हो जाएंगे आंखें लाल हो गई उसकी वो इतना एंग्री हो गया उसने कहा मैं अभी मार डालूंगा किसको मार डालूंगा अपने ही भाई को वाली ने बोला मैं अपने ही भाई अच्छा वो आया तो उससे क्या देखा वो नो मेरे किंगडम पे सुग्रीव बैठ गया कैसे पॉसिबल है पहले सुग्रीव ने वो होल बंद कर दिया सुग्रीव ने मेरा वेट नहीं करा और सुग्रीव जाके मेरे किंगडम पे बैठ गया ओहो अब तो वाली ने कहा सुग्रीव ने कहा भैया मैं बहुत हैप्पी हूँ ध्रुव अपने आप को पोजीशन करो बीच में दिखाऊ सबको बीच में दिखना चाहिए एंड सट स्ट्रेट रियांश आप भी एक, एक साथ बैठो बेटा अब सुग्रीव ने क्या बोला सुग्रीव ने कहा भैया आई एम वेरी हैप्पी यू आर बैक मैंने जान के नहीं करा ये सब मुझे सच्ची में लगा आप मर गए थे मुझे सच में जब वापस आया सारे मिनिस्टर्स ने मुझे बना दिया पर बाली नहीं माना बाली इतना एंग्री था बाली ने सुग्रीव के सब मिनिस्टर्स को प्रिजनर बना लिया आप देख रहे हो सबको बांध दिया उसने देख रहे हो दिख रहे हैं आपको वाली ने सबके मिनिस्टर सुग्रीव के मिनिस्टर्स को प्रिजनर बना लिया और सुग्रीव को भी बोला मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा तूने सब कुछ जान के कर रहा है तू मुझे मारना चाहता था सुग्रीव ने कहा भैया सच्ची में मेरी बात मानो मैं नहीं कुछ ऐसा करना चाहता था मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ ये आप ही का किंगडम है आप वापस ले लो मुझे नहीं चाहिए ये किंगडम सारे मिनिस्टर्स ने मिलके बना दिया वाली नहीं माना वाली नहीं माना बाली ने एक भी बात नहीं सुनी सुग्रीव ने बोला मैंने किंगडम को नहीं लिया जबरदस्ती मुझे दिया मंत्रियों ने माना ही नहीं मेरे को कोई नहीं चाहिए थी आपकी चीज परंतु जो भी कुछ हुआ गलती से हुआ प्लीज मुझे माफ कर दो क्षमा कर दो मैं आपको आपका राज्य दे रहा हूँ बाली नहीं माना और बाली गुस्से में भर के उसने बोला ये तुमने जानबूझ बुझ के करा है तुमने मुझे बिल से निकलने नहीं दिया तुमने मुझे मेरा वेट नहीं करा तुम्हें मेरा किंगडम चाहिए था ऐसे बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के तुमने भाई के भाई को प्रिय प्यार भी नहीं करा तुम्हें मेरा किंगडम की वजह से ये सब करा है और उसने सुग्रीव को मार मार के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया घर से बाहर निकाल दिया सुग्रीव को कपड़े भी नहीं ले जाने दिए कुछ भी नहीं ले जाने दिए और सुग्रीव की वाइफ को भी बाली ने रख लिया और एक कपड़ा में उसको घर से बाहर निकाल दिया अब जब घर से बाहर निकाल दिया तो बाली से डर के और बाली ने कहा अगर मुझे तुम कहीं मिल गए मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम चले जाओ यहां से ऐसे सब बोला तो सुग्रीव बेचारा अगर आपका कोई अगर आप किसी को घर से निकाल देगा तो आप कहाँ जाओगे अगर अपना घर अपना सब कुछ होता है ना सपोज हमको घर छोड़ना पड़े तो हम कहा जाएंगे हमको कहाँ रहना पड़ेगा अगर पापा मम्मा दादी बाबा नानी नानू कोई भी नहीं होंगे बड़े लोग हम कहाँ जाएंगे हमारा कौन ध्यान रखेगा कोई भी नहीं कोई भी ध्यान नहीं रखेगा हमें अकेले सब कुछ करना पड़ेगा अगर हमें हम फॉरेस्ट जाएंगे फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें होती है जो हमें मार सकती है कौन बताएगा आने वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स स्नेक्स होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं और कोई हाउस होता है क्या फॉरेस्ट में नहीं ना मम्मा होएंगी क्या वहां पे जो मम्मा खाना बनाती है मम्मा सब कुछ करती है मम्मा इतना प्यार करती है बच्चों को मम्मी मिलेगी वहाँ? नहीं ना अब सुग्रीव इतना परेशान सुग्रीव को घर से बाहर निकाल दिया सुग्रीव भटक रहा है भटक रहा है भटक रहा है और कह रहा है सुग्रीव ने कहा मैं जहां पे भी जाता वाली के सिपाही मंत्री आ जाते मेरे पीछे पीछे सिर्फ ओनली वन प्लेस है जहाँ पे वाली नहीं आ सकता वो है ऋष्यमूक पर्वत क्योंकि उस माउंटेन उस का नाम है तो श्री राम ने कहा ऐसा क्यों वाली तुम्हें हर जगह अटैक कर सकता यहाँ नहीं कर सकता तो सुग्रीव ने बोला नहीं तो वाली ने राम ने बोला क्यों ऋष्यमूक में ऐसा क्या है जो तो अटैक नहीं कर सकते तो अब सुग्रीव उसको सेकेंड स्टोरी सुना रहा है पहले स्टोरी मैंने कौन सी सुनाई थी मायावी राक्षस और सुग्रीव की सुनाई थी याद है सुग्रीव एंड मायावी राक्षस समझ आई बच्चों को सुग्रीव एंड मायावी राक्षस की स्टोरी किसको समझ आई ना अब सेकेंड स्टोरी है सुग्री वाली एंड मायावी राक्षस सुनाई थी अब है वाला भी एंड दुदुम्भी दुंदुभि देखते हैं तो सुग्रीव कह रहा है आपको पता है श्रीराम वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है इतना स्ट्रोंग है कि वो सुबह उठता है और सुबह सुबह वो फ्लाई करके सारे ओशंस क्रॉस कर लेता है और फिर वापस ओशंस क्रॉस कर लेता है लेफ्ट से राइट में जाता है नॉर्थ से साउथ में जाता है सारे ओशंस क्रॉस करने के बाद भी वो टायर्ड नहीं होता सब कुछ करके वो घूम के आ जाता है इतना पावरफुल है आप कैसे लड़ोगे मुझे तो बहुत डर लग रहा है आप नहीं हरा पाओगे बाली को तो देखो सुग्रीव कह रहा है बाली फ्लाई भी करता है सब कुछ करता है फिर भी नहीं थकता आप कैसे लड़ोगे है ना मेरे को तो डर लग रहा है फिर सुग्रीव कहता है आपको पता है बाली कितना स्ट्रांग है बाली ना पूरे पूरे पहाड़ों को उठा लेता है आप लोग बॉल से कौन कौन खेलता है बॉल से ऐसे बॉल उछालते हैं आप, है ना? तो वाली इतना हाँ तो वाली इतना इतनाछालता है माउंटेन उछालता है। कभी आपने सोचा है कि कोई माउंटेन भी उछाल सकता है ध्रुव ऐसे करके माउंटेन उछाल सकता है कोई ऐसे 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 पर वाली में इतनी वो माउंटेन उछालता है oh my God, माउंटेन उछाल के पकड़ लेता है वाली ये सब सुग्रीव बता रहे हैं अपने ब्रदर के बारे में फिर कहता है एक आपको एक और स्टोरी श्री श्रीराम बोलते सुनाओ तो श्रीराम कहता है सुग्रीव कहता है एक था राक्षस उसका नाम था दुधु वो रहता था इन द फॉर्म ऑफ बफलो बफ़लो भैंसा और इतना थाउजेंड हाथियों का उसमें स्ट्रेंथ थी इतना पावरफुल था तो वो बफेलो जो है ना वो बफेलो में इतना पावर था धुंधु राक्षस ने कि वो पहले गया समुद्र के पास उसने कहा तुम मुझसे फाइट करो अगर ध्रुव कोई बहुत पावरफुल आपके पास आके बोलेगा फाइट करो तो आप फाइट करोगे क्या उससे ये तो क्या सेंसिबल क्या होता है सेंसिबल क्या होता? फाइट फाइट नहीं करना उसको बस छोड़ दो उसे बातों, पहले वर्ड्स में तो बोलो क्यों लड़ना है मुझको तो समुद्र के पास गया धुंधु ने बोला समुद्र मुझसे लड़ो अब समुद्र तो बोले कि मैडने मैं तो स्ट्रेंथ नहीं है तुमसे लड़ने की तुम कहीं और जाओ तो बोले मैं कहा जाऊं तो उसने बोला समुद्र देवता ने कि आप जाओ फॉरेस्ट माउंटेन के पास हिमालय के पास बोले हिमालय के पास बोले हिमालय इतना पावरफुल है वो आपसे लड़ेगा तो धुंदुबी पहुंच गया हिमालय के पास और सारे पत्थर और सारे पहाड़ गिराने लगा और धुंदुबी ने बोला मुझसे लड़ाई करो तो हिमालय ने बोला मैं तो नहीं लड़ सकता मेरे पास तो सारे तपस्वी लोग रहते हैं ऋषि मुनि रहते हैं मैं नहीं फाइट कर सकता तो दुधु ने बोला मुझे तो लड़ना है लड़ना है लड़ना है तो उसने बोला तुम जाओ वाली के पास वाली तुमसे लड़ेगा वाली को कोई भी कहता है ना चैलेंज करता है तो वो लड़ता ही लड़ता है तो दुंदु भी पहुंच जाता है वाली के पास और वाली को जाता है वो किश्किा के गेट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ अ बफलो और वो कहता है ए वाली जल्दी से आओ मुझे तुमसे लड़ाई करनी है और अगर कोई वाली को चैलेंज करेगा तो वाली क्या करेगा जल्दी बताओ कौन बताएगा वो चैलेंज को, करेगा करेगा। को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा वो सोचेगा भी नहीं और वाली बहुत पावरफुल है तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो आता है बाहर तो वो कहता है कि देखो मुझे पता है तुम सो रहे हो अभी रात है तुम सुबह उठ के आना ये बोलता है तुम सुबह आ जाना जो मैंने तुम्हें आज रात के लिए छोड़ा तो वाली कहता है हे तुमने मुझे चैलेंज करा है मैं अभी लडूंगा तुमसे और वाली मत जाओ अभी नाइट है नाइट में असुरों की बहुत स्ट्रेंथ होती है अभी मत जाओ आप सुबह जाना सूर्योदय पे जाना सनराइज पे जाना पर वाली नहीं मानता और वाली जाता है और धुंधुबी को हॉर्न से पकड़ता है देखो इतने बड़े बड़े फोन से पकड़ के यू 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 करके और पटक देता उसको और धुंधु भी मर जाता है घुमा घुमा के घुमा घुमा के पटक देता है और धुंधु भी मर जाता है और वाली के पास एक और बोन है कि जितना भी वो धुंधु भी को यू यू करता है ना तो धुंधु भी की भी सारी स्ट्रेंथ वाली में आ जाती है वाली को ब्रह्म ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जिससे भी वो लड़ेगा ना उसकी स्ट्रेंथ वाली में आ जाएगी तो वाली में मायावी की स्ट्रेंथ आ गई वाली में धुंधु की स्ट्रेंथ आ गई और धुंधुबी को मार डाला जब धुंधुबी को मारा तो ब्लड उछला उसने घुमाया ना तो घुमाने में ब्लड उछला होगा कि नहीं जल्दी बताओ ऐसे ऐसे किया तो ब्लड उछला वो ब्लड गिरा मतंग मुनि के आश्रम में तो वो मतंग मुनि आए अरे ये कौन है मेरे आश्रम में ब्लड गिरा रहा है तो मतंग मुनि ने ये मतंग मुनि उन्होंने बाहर जाके देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो वाली है तो वाली को उन्होंने शाप दिया कि तुम इतने खराब हो तुमने मेरे आश्रम में ये गलत काम किया है ऐसे ऐसे एक को मारा और उसका उसका खून रक्त उसका ब्लड मेरे आश्रम में गिरा है मैं तुमको शाप देता हूं आज से तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा तुम मर जाओगे तुम यहां नहीं आ सकते ऐसे बोला तो वाली समझ गया बाली ने बहुत सॉरी 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 बोला मैंने जा, जान के नहीं करा वो राक्षस वो जो धुंधु भी था मुझसे लड़ने आया था मैंने उससे लड़ाई करी गलती से आपके आश्रम पे थोड़ा ब्लड गिर गया प्लीज मुझे माफ कर दो मतंग मुनि ने नहीं माना तो ऋष्यमुख पर्वत पे इसीलिए वाली नहीं आ सकता अब अब क्या कहता है अब ये सारी स्टोरी वो श्रीराम को क्यों सुना रहा है जल्दी बताओ सुग्रीव बाली के बारे में क्यों सुना आ रहा है सब कुछ क्योंकि श्री राम ने सुग्रीव को बोला था कि बाली के सारे जो वो करता है बताओ और क्यों लड़ाई हुई बाली के सारे पॉइंट्स बताओ बाली के अगर हमें कभी भी किसी से लड़ाई करनी हो ना हमें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए पता होना चाहिए ना हमें इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए अपने एनिमी के बारे में सब कुछ पता कर ले है ना तो श्री राम वाली से पूरी सुग्रीव से पूरी स्टोरी सुन रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों भाई क्यों लड़ रहे हैं है ना और फिर क्या उनको करना चाहिए तो श्री राम सुग्रीव वाली के सारे स्ट्रेंथ बता रहे हैं और सुग्रीव को क्या लगता है कि श्रीराम नहीं लड़ पाएंगे वाली से क्योंकि वाली बहुत पावरफुल है।, है ना वाली बहुत पावरफुल पर कौन असली में पावरफुल होएगा जल्दी बताओ श्री राम श्री राम भरत समय यंश कौन असली में पावरफुल होएगा श्री राम है ना और श्री राम के साथ कौन है वहां पे कौन उनको हेल्प कर रहा है हनुमान तो, जी और सुग्रीव एंड मेन आपने बताया ही नहीं श्री राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण लक्ष्मण ओके सो वी हैव अ लिटिल मोर स्टोरी टू डू एंड लेट्स डू दैट एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर द डे तो श्रीराम कहते हैं सुग्रीव कहते हैं देखो मैं अभी भी नहीं मान सकता कि आप लड़ सकते हो क्योंकि सुग्रीव बहुत वाले बहुत पावरफुल है कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं श्योर हो जाऊं कि आप लड़ सकते हो तो लक्ष्मण जी हंसने लगे लक्ष्मण जी सोचने लगे इसको नहीं पता कि मेरे भैया कितने पावरफुल हैं कोई बात नहीं तो लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव तुम कैसे बिलीव करोगे कि श्री राम लड़ सकते हैं और जीत जाएंगे तो सुग्रीव ने कहा देखो कुछ तो टेस्ट देना पड़ेगा बाली में जो जो पावर है वो ही पावर को श्रीराम को मैच करना पड़ेगा तो लक्ष्मण तो अच्छा तो सुग्रीव ने बोला आपको पता है जितने पावरफुल इतने, पावर इतने बड़े, बड़े 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 ट्रीज है जो बाली था ना वो वन एरो से इन सबको मार डालता था इन वन एरो से सेकेंड ट्री थर्ड एरो से थर्ड ट्री से, वो सेवन एरो मारता था था उसमें इतना पावर था कि वो इतने बड़े बड़े ट्री को अपनी एरो से काट डालता था तो अगर श्री राम इसमें मार देंगे ना अपनी एरो तो मैं मान जाऊंगा इनका पावर इक्वल है तो और फिर उसने बोला कि वो जो धुंधु भी राक्षस को बाली ने मारा था ना उसका स्केलेटन उसका कंकाल आज भी पड़ा हुआ है सूख गया उसको हिंदी में कंकाल बोलते हैं स्केलेटिन को अगर श्री राम इस पूरे को फेंक देंगे अपने पैरों से तो मैं समझूंगा कि श्री राम कर सकते हैं वाली तो सुग्रीव ने दो टेस्ट बताए क्या टेस्ट बताया कि श्रीराम को उन ट्री में एरो मारना है और सेकंड ये सारे स्केलेटन को जैसे फुटबॉल की तरह उछालते हैं ना वो फेंक देना है ओके तो श्रीराम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कौन बताएगा मुझे पाएंगे, कर कर पाएंगे पाएंगे और कैसे करेंगे जैसे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ से से अपनी एंड वेरी इजीली जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं आप लोग फुटबॉल कौन कौन खेलता है सब खेलते हो ना फुटबॉल 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 में बहुत स्ट्रेंथ लगती है कि हल्के से भी मारते हो तो बॉल उछल जाती है नो फाइटिंग भरचम हल्का सा भी मारता है उड़ जाके है ना ओके तो सुग्रीव टेस्ट कर रहा है सुग्रीव टेस्ट कर रहा है कि वाली की जितनी स्ट्रेंथ श्री राम में है तो श्री राम कहते हैं फिर तो सुग्रीव कहता है, प्लीज आप बुरा मत मानना श्री राम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको बिलीव नहीं करता हूं मैं जानता हूं आप बहुत पावरफुल हैं पर मैं डरता हूं मुझे वाली से बहुत डर लगता है वाली बहुत कुरुअल है और बहुत मारता है मुझे मैं देखना चाहता हूँ आपने कितनी पावर है तो मैं मुझे पता है तो वो फिर वो जानता भी है फिर भी टेस्ट भी करना चाहता है सॉरी भी बोल रहा है कि वाले की जितनी पावर है ना मेरे को देखना है आपकी पावर तो राम कहते हैं कोई बात नहीं सुग्रीव मैं समझता हूँ सु, श्रीराम सुग्रीव को हिम्मत बांधते हैं बंधाते हैं और बोलते कोई बात नहीं मैं जो भी तुमने टेस्ट बताया वो करूंगा और श्री राम एक झटका मारते हैं और इतना बड़ा स्केलेटन को उड़ा देते हैं एंड टू दो सौ यूजन दूर बहुत दूर ये देखा पूरा स्केलेटन उड़ गया तो स्केलेटन तो बहुत हैवी होएगा ना है ना कोई हैवी होएगा कि नहीं वजन होएगा ना तो वाली कहता सुग्रीव कहता है ये तो आपने कर दिया परंतु फिर भी आपको वो सारे ट्रीज का भी करके दिखाई है मुझे तो शीरा वन एरो निकालते हैं वन एरो निकालते हैं और यू लगाते हैं और खींचते हैं और एरो को छोड़ते हैं और वो एरो जब छोड़ते हैं सेवन एक एक के बाद 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 के बादे, के बादे, के बादे, के, बादे, के बादे, और सेवन ट्रीज सुग्रीव ने बोला था वाली वन ट्री में वन एरो मारता था यहां श्री राम ने सेवन ट्रीज में वन एरो मारी तो कौन पावरफुल ज्यादा हुआ सेवन ट्रीज में वन एरो के, हाँ, के वन श्री राम श्री राम श्री राम इतने पावरफुल अब सुग्रीव समझ गया फिर सुग्रीव ने श्री राम के पैर छुए सुग्रीव ने कहा मैं समझ गया हूँ आप बहुत पावरफुल है मुझे पता है मैं आप जैसा फ्रेंड पाकर मैं बहुत हैप्पी हूँ आप तो भगवान हैं आप तो सबको मार सकते हैं प्लीज आप मेरी किशकि मुझे लौटाइए प्लीज आप बाली को मार डालिए बाली ने मेरी वाइफ भी ले ली बाली ने मेरा राज्य भी ले लिया सब कुछ ले लिया अच्छा छोटे भाई की वाइफ को किसी को लेना चाहिए क्या कौन बताएगा मुझे इज इट गुड और इज इट अ बैड थिंग टू डू इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग टू डू नो इट्स इट्स बैड या छोटे भाई की वाइफ आपकी डॉटर की तरह होती है आपके घर में जो बहन बेटियां हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं हमारा कल्चर में हम गर्ल्स को विमेन को प्रोटेक्ट करते हैं उनको अच्छे से रखते हैं है ना हम अपने बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो श्री राम कहते हैं कोई बात नहीं अब तुमने मेरी स्ट्रेंथ देख ली ना चलो किशकिधा चलते हैं तो ये सब जाते हैं किशकिधा अब ये सुग्रीव है ये वाली को ललकार रहा है अब वाली क्या करेगा वाली को चैलेंज जो भी करता है वाली क्या करता है बाली क्या करता है चैलेंज को सुग बाली क्या करता है चैलेंज चैलेंज करता है उनको रोकता नहीं है कभी तो अब सुग्रीव चैलेंज कर रहा है पहले माया भी राक्षस ने चैलेंज करा दुंदु भी ने चैलेंज करा अब सुग्रीव चैलेंज कर रहा है तो राम जी कहते हैं सुग्रीव को कि तुम तो जाके चैलेंज करो और मैं और लक्ष्मण साइड में खड़े हो जाएंगे तो वो चैलेंज करता है तो ये आ गया वाली जल्दी देखो ये वाली आ गया सुग्रीव अब वाली और सुग्रीव दोनों लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं हैं लड़े जा रहे और पावरफुल कौन है पावरफुल कौन है दोनों में से कौन बताएगा पावरफुल कौन है वा, वाली, बाली। वाली और सुग्रीव रहे 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 जा 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 लड़े लड़े फाइटिंग 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 और राम जी और लक्ष्मण जी खड़े हैं सुग्रीव कह रहा है वाली मुझे मारे जा रहा है राम जी कुछ भी नहीं कर रहे राम जी ने कहा था मैं हेल्प करूंगा राम जी हेल्प ही नहीं कर रहे और वाली सुग्रीव को मार मार के और राम जी ने अपना बो निकाला एरो भी निकाली परंतु दोनों इतने सेम लगते थे कंफ्यूज हो गए राम जी राम जी और तब तक बाली ने एनोटेट नहीं करना बेटा नो गलती गलती वाली ओके तो बाली ने सुग्रीव को मार मार के मार मार के कचूमर निकाल दिया और सुग्रीव बेचारा डर के मारे भाग गया सुग्रीव रोने लगा राम जी आपने हेल्प ही नहीं करी मुझे राम जी आपने हेल्प ही नहीं करी मुझे तो राम जी ने सुग्रीव भाग के कहाँ गया होगा जिस पर्वत पे वाली नहीं आ सकता ऋषिमुख पर्वत है ना वहां वाली नहीं आ सकता वहां राम जी भी पहुंचे राम जी ने बोला सुग्रीव ने बोला राम जी आपने क्यों नहीं हेल्प करी मुझे मैं वेट कर रहा था मेरे भाई ने मेरा कुछ उमर निकाल दिया मुझे मार डाला मार डाला मार डाला आपने फिर भी नहीं बचा राम जी ने कहा राम जी ने क्या रीजन दिया होगा किसको पता है किसको पता है राम जी ने क्या रीजन दिया होगा ध्रुफ को पता है मुझे बताओ उनने बोला कि हाँ, दोनों इतने सेम लगते हैं तो हाँ, मुझे पता नहीं चला किसको हाँ अगर मैं गलती से तुम्हें मार डालता तो तुम दोनों बिल्कुल सेम लगते हो अब जैसे भरत और समर ट्वेंस है फटाफट इसमें देखो दोनों सेम लगते हैं कि नहीं लगते भरत और समर सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे सब बच्चों को लग रहे ना ट्वेंस तो अगर भरत की जगह समर्थ हो जाए समर्थ की जगह भरत हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी गड़बड़ होएगी कि नहीं हो जाएगी ना ऐसे करके तो राम जी ने बोला मैं क्या करूं तुम दोनों इतने सेम सेम लग रहे थे तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारी 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 बॉडी हाइट फेस चाल ढाल तुम्हारे कपड़े सब सेम। अगर गलती से मैं सुग्रीव तुमको मार डालता फिर।, फिर फिर फाइनली श्री राम बोलते हैं नेक्स्ट डे कोई बात नहीं हम फिर से जाएंगे अब सेकेंड वाला वॉर होने वाला है सुग्रीव का और बाली का तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम फटाफट एक माला बनाओ एक डिवाइन माला फ्लावर्स की और सुग्रीव के गले में डालो तो सुग्रीव अब पता लग जाएगा ये सुग्रीव है है ना तो ये गज पुष्पी लता डिवाइन डिवाइन फ्लावर्स की लता बेल को पहना देते हैं सुग्रीव के गले में और अब फिर जाते हैं युद्ध करने के लिए और वो ऐसे 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 करके कहता है फिर वो करता है उसको हे वाली आ जाओ मैं आ गया हूं तुमसे लड़ाई करने अब वाली ने क्या किया होगा जल्दी बताओ बताएगा फास्ट फास्ट बताओ लड़ाई की <laughs> अब जैसे सुग्रीव पहुंचता है बाली कहता है अभी तो ये मुझसे हार के गया है ये फिर आ गया क्या प्रॉब्लम है इसको 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 अभी अभी मैंने इसको हराया, अभी इसको मैंने हराया इतना मारा है और बाली फिर निकलता है तब बाली जब निकलता है तो उसकी वाइफ बहुत इंटेलिजेंट होती है उसका नाम होता है तारा तारा देवी इतनी इंटेलिजेंट है तारा कहती है देखो मैं तो आपको बता रही हूं अभी मत जाओ रुक जाओ अभी मत जाओ ये नाइट में जा रहे हैं और सुग्रीव को अभी आपने हराया था ये फिर सुग्रीव आ गया पक्का ये किसी हेल्पर को लेके आया है और आप तो सनराइज के बाद जाना राइट नाइट में मत जाओ अभी आपसे हार के गया फिर आया है तो कोई प्लानिंग से आया है और कोई हेल्पर लेके आया है पर सुग्रीव मानने वाला है क्या बाली मानने वाला है क्या नहीं ना फिर तारा बोलती है देखो मैं आपको बता रही हूं अंगद जो हमारा बेटा है वो फॉरेस्ट में गया था उसने बताया था कि वहां पे ना कोई दो बहुत पावरफुल वो आए हैं किंग प्रिंसेस वो अयोध्या के ना वो है राम और लक्ष्मण पक्का ये उनकी हेल्प ले रहा है सुग्रीव मैं बोल रही हूँ मत मानो मत मत जाओ मत जाओ मत जाओ पर वाली मानेगा क्या नहीं अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट टाइम आज की हमारी स्टोरी यहाँ पे फिनिश इसको मजा आया वालि और सुग्रीव की स्टोरी में आया अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि सुग्रीव के साथ अब क्या होता है अब नेक्स्ट टाइम तो राम जी को हेल्प करनी है ना सुग्रीव को हेल्प करनी है कि नहीं करनी करनी है ना ओके लेट्स डू आवर क्लोजिंग मंत्र एंड वी विल हैव अ सेशन नेक्स्ट सैटरडे वेयर वी विल वी विल टेक द स्टोरी ऑफ वाली एंड श्री राम फॉरवर्ड ओके आई होप एवरीवन एंजॉयड द सेशन टुडे ओके लेट्स टू द क्लोजिंग मंत्र हाथ जोड़ के ओम पूर्ण मद पूर्ण मद पूर्ण मेदम पूर्ण पूर्णात पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवा वशिष्यते पूर्ण ओम देवा ओम शांति 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 ओम शांती शांति okay. शांति ओके आप किस-किस को अच्छी लगी स्टोरी फास्ट फास्ट सबको मजा आया सो वी विल हैव अ सेशन नेक्स्ट सैटरडे हरिओम एवरीवान हरिओम अपना हनुमान चालीसा याद रखना है मंत्रों को याद रखना है हिंदी में दिनों के नेम हिंदी में महीनों के नेम्स हमें सब आना चाहिए दी आर स्ट्रांग पावरफुल पीपल राइट ब्रिलियंट ओके हरिओम एवरीवान